फॉर्मली ऑफिस में जाके चार्ज देना है, वही प्रोग्राम और कोई प्रोग्राम जी। किस तरह देखते हैं आने वाले इलेक्शन को, जो होने वाली 19 को, किस चीज को इलेक्शन को किस तरह देखते हैं, तैयारी किस तरह काम की तैयारी? देखिए ये तो इलेक्शन होता ही है मुकाबलेबाजी, और जहाँ पे जहाँ तक कांग्रेस का ताल्लुक है, कांग्रेस का इस वक्त एक फील गुड फैक्टर रियासत जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी के आने के बाद जो बना है उसको ही हमने कैपिटलाइज करना है, उसको चैनलाइज करना है, तो उस बारे में बातचीत होगी हमारी। कल राहुल गांधी का आना है, उन्होंने इस तरह के देखते हैं उनको आने के जो क्रिया है? राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर के साथ एक जज्बाती रिश्ता है, वो अपने घर आ रहे हैं, उनके वास्ते जम्मू कश्मीर कोई नई चीज तो है नहीं, नई रियासत है नहीं, उनका जज्बाती रिश्ता है यहाँ से, तो उसी वास्ते आ रहे हैं, उनके वास्ते कोई बड़ी बात नहीं, नई बात नहीं। गठबंधन की उम्मीद है किसी के साथ एनसी की? नहीं, वो बातचीत ऐसे तो बातचीत होगी, वो देखा जाएगा। अभी हाँ तो उनका काम है, उन्होंने किया अपना, हमारा काम है, हम अपना करेंगे। उन्होंने बोला है कि 370 भी है, वो उन्होंने कहा है ना, तो उसका जवाब हम देंगे। ये थे तारिक तारा, तारिक हमीद तारा, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे तारिक हमीद तारा, जिन्होंने बताया कि जो इलेक्शन का वो जो आने वाली है उसके लिए वो तैयार है, और जो मेजोरिटी है उनकी बनेगी, कांग्रेस की मेजोरिटी बनेगी, कांग्रेस इस बार सरकार बनाएगी। राहुल गांधी पर बोलते उन्होंने कहा कि वो अपने घर आ रहे हैं, राहुल गांधी का ये घर है, तो घर आने के लिए किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए किस तरह उनका भव्य स्वागत किया गया तारिक अहमद तारा का। अभी आपने देखा कि तारा जो जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के, अभी कुछ मिनट पहले एयरपोर्ट पहुंचे हैं, और अभी वो अपने हेड ऑफिस जा रहे हैं जहां वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, बताएंगे क्या उनकी रणनीति है और किस तरह वो इलेक्शन को इस बार देखेंगे। आप देख रहे हैं कैमरामैन विकास बक्सा, सभी जम्मू। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।